हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कोई टिप्स देने जा रही हूँ, जो कि अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही अच्छी टिप्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को, और वो है ऑर्गेनिक खेती के बारे में, जिसमें हम ऑर्गेनिक खेती कैसे करें अपनी ही छत के ऊपर, अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, जो कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे सबके जो है हरी सब्जियां खाना नहीं चाहते, और वो बहुत ही आनाकानी करते हैं हरी सब्जियों को खाने से। तो इसलिए जो है ऑर्गेनिक अगर थोड़ी भी उनके पेट में जाएगी तो वो दवा का काम करेगी, और पेस्टिसाइड वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत ही केमिकल का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ही बड़े लेवल पर उनको करना होता है, तो वो इतनी ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो उनको केमिकल का सहारा लेना ही पड़ता है। और मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ, इस तरह अगर आपने किया खेती तो आपकी खेती भी चमक जाएगी, खेती का सुख भी मिलेगा, और आपके बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कैसे खेती कर रखी है। ये देखिए, ये मेरे छत के ऊपर मैंने पन्नी बिछा करके, और इसमें मैंने क्यारी बना दी है। ये तो मैंने क्यारी बनाई हुई है, और इसमें मैंने कई सारी बेल जो है तोरी की लगाई हैं, और इसमें दो वैरायटी की तोरी हैं, जिसकी बेल मैंने ऐसे रेलिंग के ऊपर अपने फैला दिया है। देखिए, रेलिंग के ऊपर जा रही हैं, इससे कोई ना नीचे मिट्टी ना कुछ कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगते, फंगस वगैरह, और ये रेलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से चल रही हैं, जिसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक तो ये है तोरी मेरी, और बहुत सारी हैं जो कि दिखने गई हैं। अभी इसमें पत्ते के नीचे हैं, आप लोगों को दिखेंगी नहीं। अभी मैं आज कल तो मैंने हार्वेस्ट किए थे, उसका मैंने नहीं दिखाया अपडेट। ये देखिए, ये तीन तो ये बड़ी हो चुकी हैं, और ये छोटी छोटी कई सारी हैं इसमें। अब इसको हार्वेस्ट करते ही ये सारी बड़ी हो जाएंगी, और इसमें देखिए बहुत सारी ही लग रही हैं तोरियाँ। देखिए तोरी, ये सब प्योर ऑर्गेनिक है, सिर्फ इसमें गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए, ये भी तोरी है, इसमें खाली गाय का गोबर इस्तेमाल किया है मैंने, और इसकी इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी कि जैसे आप लोग पहले गाँव के सब्जियों का तारीफ करते थे कि पहले सब्जियां ऐसे ही बन जाती थी मगर बहुत टेस्टी बनती थी, और आज उसी तरह की टेस्टी सब्जी आपको अपने ही छत से मिलने वाली है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिला सकते हैं। अब इसमें मैंने तोरी तो लगा दी है, तोरी मेरी फर भी रही है। अब इसमें एक लगाया सफ़ेद पेठा, ये सफ़ेद पेठे की वैरायटी है, और इसी में जामुन हो रहा है, एक ये जामुन है। ये जैसे ही बड़े होंगे मैं इनको गमलों में ट्रांसफ़र करूंगी। ये है गेंदे का फूल, और भी कई है, कपास का भी मैंने लगा रखा है। ये देखिए कपास है, जिससे मुझे पूजा के लिए रोजीना स्वच्छ रुई मिल जाती है। ये इसकी कलियां हैं, देखिए ये फूटेंगे तो इनमें से रुई निकलेगी, ये हैं कलियाँ, रुई निकलेगी, और बहुत निकलती हैं गाइस, पूरी सर्दी इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। अभी फ़िलहाल मैं ये देखिए मेरी तोरी की बेल कहाँ जा रही है, वो छत पे, और कल मैं इसको सीढ़ी लगा कर देखूँगी। आज तो बहुत बारिश हुई है तो छत सारा गीला पड़ा है, कल मैं सीढ़ी लगा करके देखूँगी कि इस पर कितनी तोरियाँ हैं, फिर मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। और देखिए गाइस, छत के ऊपर ही मैंने कैसे हरियाली बना रखी है, और ये हरियाली भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैंने घिया भी लगा रखा है, एक तोरी मैंने इस पानी के बोतल में लगा रखा है, वो भी फर रही है, आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए, वो भी फर रही है, इतनी बड़ी हो गई है अभी, और भी आगे फरेंगी, कुछ तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि
मुझे लगता है कहीं इसकी वजह से कोई पौधों में दिक्कत ना आए। और ये घिया, घिया की बेल है गाइस, ये देखिए घिया, मैंने इसको छुपा रखा है घिये को कि कोई कीड़े मकोड़े कुछ ना आए, इसको खाए नहीं, इसलिए ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, 15 इंच का ग्रो बैग है। और इसकी बेल ज़्यादा नहीं गई है अभी, तो बढ़ी रही है अभी अभी इसमें। और एक और है, एक है ये भी 15 इंच के ग्रो बैग में है। और ये इसकी भी बेल देखिए, ये घिया देखिए, इससे हमें कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ऑर्गेनिक सब्जियां मिली जाएंगी खाने के लिए, और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि इसमें कोई फंगीसाइड नहीं, कोई वो नहीं। और ये देखिए करेला, मेरे करेले भी फर रहे हैं, ये देखिए करेले, करेले की बेल यहाँ जा रही है। और ये बीन्स है, बीन्स भी मेरी बड़ी हो रही है और फर भी रही है बीन्स, बीन्स का देखिए फूल और फल ये आ गए हैं। और ये देखिए एक बड़ा बीन्स, लोबिया है ये, इसको लोबिया बोलते हैं, जो गांव में होता है, कई लोग बोरो भी बोलते हैं इसको, लोबिया भी बोलते हैं। और ये मैंने नींबू लगा रखा है, नींबू का देखिए, ये नींबू है, नींबू भी आ गए हैं इसमें। और ये मैंने अरवी के वो लगा रखे हैं। गाइस हमारे पास छोटे छोटे बर्तन तो होते ही हैं, निकलते ही रहते हैं घर में से कंटेनर्स, उस कंटेनर को लेकर हम खेती कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी तोरी आ गई थी मगर इसकी बारिश की वजह से देखिए बेल नहीं चढ़ा पाई मैं, तो ये बारिश की वजह से ख़राब हो रही है बेल इसकी। कितने सारे फूल आए हुए हैं गाइस, ये देखिए, तो इसमें एक तोरी भी आई है, अभी तो ये बहुत छोटी है, बड़ी होगी तो और आएगी। अभी पॉलिनेटर भी बहुत आते रहते हैं, ये देखिए पालक मैंने छोटे छोटे कंटेनरों में उगा दिया है, ये जो कि मेरे लिए बहुत होते हैं, इतना इतने अगर मैं काट लेती हूँ तो कड़ी बना, क्योंकि 3 लोगों की फैमिली है मेरी, अभी बहुत छोटी फैमिली है, तो अभी तो मेरा काम चल जाता है इसी में, बाहर से नहीं लाना पड़ता। और पालक ऐसी चीज़ है कि जितनी बार काटो उतनी बार ही बढ़ता है, और एक दिन अरवी की हार्वेस्टिंग होगी तो इसकी भी सब्जी भाजी बनेगी। और ये है आपका अनार, जो कि मैंने पौधे नहीं लाई हूँ, ये अपने आप ही उगा था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया 12 इंच के ग्रो बैग में। और ये मेरी भिंडियाँ हैं जो कि 10-10 इंच के पॉट में लगी हुई हैं, और ये भिंडी आने भी लग गई है, ये देखिए भिंडी आ रही है, और भी छोटी छोटी काफ़ी भिंडियाँ आ रही हैं। तो गाइस करेला मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये करेला मेरा कितना लंबा हो गया है इसमें, क्योंकि कई वैरायटी है मेरी इसमें, एक ये रही, और छोटे छोटे और निकले हैं जो कि कैमरे में शायद ना दिखें। और मैं आपको एक ये करेला मेरा अपने आप ही उग गया था, और ये भी अच्छा फ्रूट दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये करेले।